हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड जो आपकी एजुकेशन है वो अच्छे प्लेटफॉर्म पे चल रही होगी ना। श्योर है? तो चलो, आप सभी का वेलकम है आपके हमारे सभी के प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है, बिकॉज लेक्चर ऑन हो गया, चैप्टर न्यू स्टार्ट हो गया। तो आपको आना है, लेक्चर सुनना है एंड बुक्स और पेन निकालना है, जितने इंपॉर्टेंस है जितने नोट्स है उसको पुट आउट करना, रेड आउट करना है आपको एग्जाम में, वो बहुत हेल्प करेगी। ओके, तो विदाउट टाइम वेस्ट के लेक्चर पे आते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज का जो चैप्टर है वो स्टार्टिंग का न्यू चैप्टर है, जिसका नाम है बैंक रिकैपिटलाइजेशन स्टेटमेंट। लेक्चर नंबर वन है, क्योंकि पहला चैप्टर न्यू चैप्टर है तो लेक्चर नंबर वन रहेगा ऑब्वियसली। ठीक है, अब सबसे पहले मैं एक बात बता दूं आपको, जो ये बैंक है, बैंक रिकैपिटलाइजेशन रिकंसलाइजेशन, ठीक है, स्टेटमेंट। अभी क्या है, अभी होता ही क्या है? देखो, ये जो भी आप सीए कर दे हो, सीएमए कर दे हो, सीएस कर दे हो, तो सब में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फाइनेंस स्टैंडर्ड में हो तो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने पहले लेक्चर में देखा था, प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमने कैश कॉलम बनाया था और बैंक कॉलम बनाया था फिफ्थ चैप्टर में सब्सिडरी बुक ने, तो वो कौन किया था? प्रोपराइटर ने किया था। अब ये प्रोपराइटर है, ये है प्रोपराइटर। अब प्रोपराइटर अपने बिजनेस में क्या कर रहा है, पैसा आ रहा है जा रहा है, किस थ्रू से जा रहा है, किस लेवल पे जा रहा है, उसको अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहा था। ठीक है, कैश बुक में दो कॉलम होता है, आपको पता था कि एक ऐसा बरोबर ऐसा ही कुछ था, यहाँ पे पर्टिकुलर था, फिर कुछ लेफ्ट था, फिर यहाँ पे कैश था, फिर यहाँ पे बैंक था। सेम यहाँ पे भी था, पर्टिकुलर कैश और बैंक, सिंपल देखिए। ठीक है, एक कैश का कॉलम था, एक बैंक का कॉलम, एक कैश का कॉलम था, एक बैंक का कॉलम। अब जितना रिसिप्ट था बच्चों, अब डेबिट साइड पे जितना एक्सपेंडिचर हम कर रहे थे, जितना हमारे पास से पैसा जा रहा था, वो आ रहा था हमारा क्रेडिट साइड पे, क्योंकि और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इसमें क्या हुआ था, और जो भी मतलब कि व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, बोलते ना डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रूल यहाँ पे फॉलो हुआ था, सिंपल था। अब जितना चीजें आपके पास से जा रही थी वो आप डेबिट कर रहे थे, ठीक है, जो चीजें आपके पास आ रही थी उसको आप क्रेडिट कर रहे थे, ठीक है, नहीं जो आपके पास से जा रही थी वो आप क्रेडिट कर रहे थे, जो आ रही थी वो डेबिट कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, बैंक का कुछ अलग ही फंड है, बैंक का कुछ अलग ही रोल है। अब बैंक क्या कर रही है, अब जब अगर आपने कैश कॉलम प्रिपेयर किया, अगर आपने बच्चों कैश कॉलम प्रिपेयर किया है तो बैंक भी कुछ करेगी, अगर आपने कैश कॉलम प्रिपेयर किया तो बैंक भी कुछ प्रिपेयर करेगी। बैंक क्या प्रिपेयर करेगी, बैंक एक रिकैपिटलाइजेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगी। इसका मतलब क्या होता है, रिकैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, मैच करना, एक टाइम पे बोलेंगे मैच करना। और मैच क्या करना, कैश कॉलम में क्या लिखे हो आप, आपने लिखा है, प्रोपराइटर ने लिखा है, सिंपल सी बात करूं मैं, देखिए ये क्लाइंट्स, एक क्लाइंट होता है जो बनाता है कैश कॉलम, एक बैंक होती है जो बैंक करती है रिकंसिलाइजेशन स्टेटमेंट बनाती है। अब दोनों को मैच करना कि आपके कैश कॉलम में क्या चल रहा है, आपके बैंक रिकंसिलाइजेशन में क्या चल रहा है। अब इन द फैक्ट कभी कभी क्या होता है, ये राजू है बिजनेसमैन, राजू ने रानी को चेक दिया, अब चेक दिया 20 लाख का, अब डेट डाल दिया 4 तारीख का। अब राजू क्या करेगा, अपने कैश कॉलम में आज ही रिकॉर्ड कर लेगा कि भाई मैंने क्या किया, रानी को चेक दे दिया। बट इन द फैक्ट बीच में शनिवार संडे पड़ गया, अब रानी क्या करेगी, शनिवार संडे रुक जाएगी, मंडे को जाएगी चेक जमा करने, या जब तक चेक जमा नहीं करेगी आपके बैंक से पैसा जाएगा नहीं जाएगा। सपोज एग्जाम्पल, आपके पास लाख रुपया है, ठीक है, बैंक में भी लाख रुपया है, 10,000 पकड़ो, चलो 10,000 दोनों जगह है। अभी आपने रानी को कितना दिया, 5,000 का चेक दे दिया। अब आपके पास से तो 5,000 कम हो जाएगा ना बच्चों, क्योंकि आपने रानी को चेक दे दिया, आपके पास से 5,000 कम हो गया, बट अकाउंट में पूरे 10,000 है। क्यों है, क्योंकि रानी ने शनिवार संडे को चेक जमा नहीं किया, इन द फैक्ट मंडे को जाएगी, मंडे को चेक जमा करेगी,
जब तक चेक जमा नहीं करे तो आपके बैंक से पैसा कटेगा क्या बच्चों? नहीं कटेगा। सिंपल लॉजिक है। भले से आपने इसको चेक दे दिया आज की तारीख का, 2 तारीख का चेक दे दिया, 3 4 शनिवार संडे पड़ जा रहा है, वो 5 तारीख को मंडे जाएगी। अब 5 तारीख को वो चेक जमा करेगी, इन द फैक्ट 2 दिन 3 दिन लगते हैं चेक क्लियर होने में, तो 6 7 8 मतलब आपके अकाउंट से 8 तारीख को बैलेंस क्या होगा? डिडक्ट होगा, लेस होगा। फॉर्मेट समझ रहे हो? मैच कर रहे हो, पैसा सेम हो रहा बट डेट का मैच इशू हो रहा है। आपने चेक 2 तारीख को दिया बट चिंटी रानी चेक कब जमा कर रही है? इन द फैक्ट आने वाले समय में जमा कर रही है, तो उस टाइम का आपको दिखेगा। जब वो चेक जमा करेगी तब यहां से क्या होगा, बैंक से क्या होगा, डिडक्ट होगा। बैंक से क्या होगा, लेस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसको मैच करने के लिए बैंक क्या करती है, अपना डिपॉजिट का एक पासबुक बनाती है। एक पासबुक कि जितने आपके ट्रांजेक्शन है, जितने आपके ट्रांजेक्शन है, ऑल थिंग्स आर रिकॉर्डेड इन योर पासबुक। ठीक है? अब जब भी आप बैंक में जाएंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। जैसे कि मैं बात करूं पे इन स्लिप की, पे इन स्लिप। अब ये क्या होता है बच्चों, जब आप अकाउंट में जाते हो, आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, तो आप बोलोगे ना कि भाई मुझे पैसा भरना है, उसके लिए मुझे स्लिप चाहिए। तो आपको जो गार्ड रहेगा या जो भी वहां पे इम्प्लॉयज रहेंगे, वो आपको बोलेंगे ठीक है ये पेमेंट स्लिप है, आप स्लिप ले लो और उसको भरो। अब स्लिप पे क्या होता है, ये बड़ा स्लिप है, अब एक कितना रहता है और एक कितना रहता है, सिंपल है। अब दोनों तरफ इंफॉर्मेशन रहेगी, आपका नाम, अकाउंट नंबर, साइन, डेट, ब्रांच, इट्स ऑल ओके। तो आपको दोनों तरफ मेंशन करना है, इधर भी इधर भी। अब ये जो पार्ट होता है, ये जो स्मॉल पार्ट होता है, वो बैंक क्या करेगी, स्टैम्प करेगी, स्टैम्प करेगी, इसको आपको दे देगी, और ये पार्ट है वो बैंक में रख लेंगे। अब आपको ये क्यों देते हैं, इन द फैक्ट अगर चेक में कुछ इशू हुआ, अकाउंट नंबर गलत हुआ, कुछ मिस्टेक हुआ, किसी कारण से पैसा आपके अकाउंट में जमा नहीं हुआ, तो आप ये छोटा वाला स्लिप जाके उनको दिखाओगे कि भाई मेरा ये स्लिप है, ये स्लिप का पैसा मेरे अकाउंट में नहीं आया, उनको समझाओगे। फिर वो क्या करेंगे, वो स्लिप को देख के क्या करेंगे, चेक करेंगे। बिकॉज क्यों, क्योंकि स्लिप पे स्टैम्प है, स्लिप पे किसका स्टैम्प है, बैंक का स्टैम्प है। मतलब बैंक बोलेगी हाँ भाई ये बात सही है, तुम मेरे बैंक में आए थे और तुमको पैसा देना मतलब आया नहीं, तो कुछ डिडक्ट हो गया, तो क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो आपके कैश कॉलम में कुछ और रहेगा, बैंक में कुछ और रहेगा, तो इसी को मैच करने के लिए बैंक क्या करती है, पासबुक बनाती है कि जितने आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो उतना क्या होता है, आपको रिकॉर्ड करना होगा। सिंपली एक बात समझाओ, अब बैंक का रोल कुछ अलग है, फंडा ही कुछ अलग है। सिंपल क्या बताऊं मैं आपको, जब भी आप देखो बैंक में जमा करते हो पैसा, जब बैंक में जमा होता है पैसा, जब अकाउंट में पैसा आता है क्या, जो चीज आता है उसको डेबिट बोलते हैं ना आप लोग, अकाउंट्स में जो चीज आता है उसको डेबिट बोलते हैं। बट बैंक में क्या है, अगर पैसा आपके अकाउंट में आया तो क्या मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, क्या आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड आता है। डिफरेंट है, अलग है ना, एकदम डिफरेंस है, क्योंकि कुछ भी सामान आता है तो आप डेबिट बोलते हो। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि अकाउंट क्या बोल रहा है, आपका अकाउंट क्या हुआ है, इतने पैसे से क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। तो अकाउंट का डिफरेंस है, मतलब कि अलग है, थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट और क्रेडिट। अभी आप किसी को फोन पे करते हो, अभी सपोज वो मैं किधर गया, वड़ा पाव खाया, वड़ा पाव से मैं स्कैन किया और उसमें 10 रुपीज पे कर रहा हूँ। जब पे करते हो तो मैं क्या बोला, अकाउंट्स में क्या होता है, जो चीज जाता है अपने पास से क्रेडिट होता है कि भाई अपने पास से जा रहा है, ये अकाउंट में होता है। बट बैंक क्या करती है, डेबिट बोलती है, क्या बोलती है, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड 10 रुपीज। बरोबर, जब भी आप किसी को स्कैन करते हो तो पैसा आपके अकाउंट से क्या होता है, डेबिट होता है। बरोबर, तो बैंक का डिफरेंस है और हमारे अकाउंट्स का क्या है, डिफरेंस है। समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंड है? तो ये चीजें बैंक मेंटेन करती है। ठीक है, तो आप समझ गए पे इन स्लिप क्या होता है। उसके बाद आपको सीखना होगा विड्रॉल स्लिप। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको सिखाता हूँ विड्रॉल स्लिप। विड्रॉल स्लिप, ठीक है। अब विड्रॉल स्लिप क्या होता है बच्चों, देखिए विड्रॉल स्लिप क्या होता है कि जब भी आप अकाउंट में जाते हो, इन द फैक्ट अगर आपका एटीएम है, अब सेविंग वाले का क्या रहता है, कुछ अमाउंट फिक्स रहता है कि आप दिन भर में 25,000 या मिनिमम मैक्सिमम 30 रुपये निकाल सकते हो, उसके ऊपर आप निकाल नहीं सकते हो। बट आपको इमरजेंसी का केस ऑफ आपको 1 लाख रुपए लग रहा है, आपको 1 लाख की नीड से इन द फैक्ट अब भी तुरंत, तो भी आप क्या करोगे, बोलोगे यार एटीएम से तो मेरे पास पैसा कम निकलेगा, मैं क्या करूँ। तो आप क्या करोगे, बैंक जाओगे, बैंक को बोलोगे भाई मुझे विड्रॉल स्लिप चाहिए। क्या चाहिए, मुझे विड्रॉल स्लिप चाहिए, बिकॉज मुझे एक्सेस अमाउंट निकालना है अपने अकाउंट से, मुझे जरूरत है, मुझे नीड से। वो क्या करेगा, आपको देगा, आपको क्या देगा, विड्रॉल स्लिप देगा। स्लिप सेम वैसे ही होता है, सेम फंडा है, डेट, पट, ब्रांच,
आपका साइन अमाउंट इट्स ऑल ऑडेड, अकाउंट नंबर आपको डालना है, ये पार्ट से रहेगा, उस पर स्टैम्प मार के आपको मिल जाएगा, वो रख लेगा और आपको क्या करेगा तुरंत पैसा दे देगा इन द फैक्ट जगह पे, आपको क्या करेगा पैसा दे देगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको बोलते हैं विड्रॉल स्लिप, ठीक है। अब उसके बाद बात करें बैंक पासबुक की, बात करें बैंक पासबुक, अब ये क्या होता है, अभी सिंपल सी बात है, आप कोई बैंक में अकाउंट खुलाओ, HDFC, SBI, इंडियन, कोटक, ऑल थिंग अलग अलग बैंक के, अब सब बैंक क्या करती है अलग एक पासबुक देती है, अपने अपने बैंक की अपने अपने ब्रांच की पासबुक देती है। पासबुक मतलब क्यों और क्यों क्यों देती है, देखो अब कोई बिजनेसमैन होता है जो साल भर ट्रांजेक्शन करता है तो उसको इन द ईयर फैक्ट एक स्टेटमेंट चाहिए। अब वो स्टेटमेंट कहाँ से निकालेगा, वो अपने पासबुक से निकाल सकता है कि भाई ये मेरा पासबुक है और मैंने साल भर में क्या क्या किया है, मेरे साल भर में क्या क्या नीड्स थी, क्या क्या एक्वायर था, उसके अंदर मुझे क्या पासबुक में सब कुछ रिकॉर्ड है, मैं जितने ट्रांजेक्शन करूंगा 10 रुपए से लेके 1000 रुपए तक, 1000 से लेके करोड़ तक, करोड़ से लेके बिलियन तक, ठीक है। और चीज आपके पासबुक में क्या हो जाएगी, रिकॉर्ड होगी, तो उसको बोलते हैं मिनी पासबुक, मतलब की पासबुक। बैंक एक पासबुक ऑथोराइज करती है अपने हर एक कस्टमर को, अपने हर एक कस्टमर को बैंक क्या करती है पासबुक ऑथोराइज करती है। समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंड है, फाइन है, चलिए उसके बाद क्या सीखेंगे हम लोग, अब सीखेंगे बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट। अब ये क्या होता है, सिंपल सी बात है, बैंक स्टेटमेंट क्या होता है बच्चों आपको पता नहीं होगा, जो भी बिजनेसमैन होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, जब भी साल भर का जो बिजनेस करते हैं, जो बड़े बड़े अकाउंट होल्डर जो अकाउंट खुलवाते हैं करेंट अकाउंट, तो करेंट अकाउंट में क्या होता है आपको स्टेटमेंट मिलता है कि आपने ये पर ईयर में कितना पैसा बैंक में डाला, कितना इनकम हुआ, कितना आपने खर्चा किया, एक्सपेंसेस किया, इसका आपको एक स्टेटमेंट मिलता है पर ईयर का। तो आपको एक ईयर का निकालो, 6 महीने का निकालो, पर मंथ का निकालो, डिपेंड अपॉन यू, आपको हमेशा मिलेगा। तो बैंक क्या करती है स्टेटमेंट देती है। अभी सेविंग वाले के लिए क्या होता है, अभी अगर आप लोग गए होंगे इन द फैक्ट, आप लोग गए होंगे इधर किधर ATM मशीन में, आप उधर पे ऑप्शन रहता है मिनी स्टेटमेंट करके, तो आप जब भी मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं तो आपके लास्ट के जितने 8-9 ट्रांजेक्शन रहते हैं वो आपको दिखता है, भाई ये डेट को इतना ट्रांजेक्शन हुआ, ये डेट को इतना ट्रांजेक्शन हुआ, ये डेट को इतना ट्रांजेक्शन हुआ, उसको बोलते हैं मिनी स्टेटमेंट। ऐसे होता है बैंक स्टेटमेंट कि आपको 1 मंथ में क्या क्या आपने किया, कितना डेबिट किया, कितना डाला, कितना क्या किया, वो चीज़ें आपको बैंक स्टेटमेंट के द्वारा पे देती है। समझ में आया, अंडरस्टैंड है, चले उसके बाद क्या सीखेंगे, बैंक एडवाइस सीखेंगे, बैंक एडवाइस। अब बैंक एडवाइस मतलब क्या बच्चों, बैंक एडवाइस कर दिए, जब भी कुछ इंटरेस्ट मिलता है या बैंक के पास कुछ आ रहा है, आपके लिए कुछ अच्छा प्लान आ रहा है, इंश्योरेंस प्लान आ रहा है, हेल्थ प्रीमियम प्लान आ रहा है, जो भी प्लान आ रहा है, तो उसके लिए बैंक आपको एडवाइस कर दिए कि ये आपके लिए बेटर है, ये आपको करना चाहिए, डिपेंड अपॉन यू, करना ना करना वो आपके ऊपर। बस बैंक क्या करते हैं आपको एडवाइस करती है कि भाई आप इतना FD कर दो, इतना RD कर दो, रिकरिंग डिपॉजिट कर दो, इतना ये कर दो, इतना ये कर दो, ठीक है। बैंक आपको एडवाइस करेगी और फिर आपको करना है वो हिसाब से, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बैंक आपको, ऑल बैंक चाहती है कि हर एक बैंक चाहती है कि अपने कस्टमर को अच्छा सर्विस दे, अच्छी एडवाइस दे, इससे कस्टमर का और बैंक का रिलेशन अच्छा मेंटेन हो और चीज़ें वो चलती रहेगी, ठीक है। तो सिंपल है, तो उतना आपको समझ ही आ रहेगा, ओके। तो बैंक क्या करेगी, आपको एडवाइस दे देगी, अंडरस्टैंड। तो बैंक एडवाइस देती है तो उतना आपको एडवाइस लेना है, ठीक है, सिंपल है। अभी आगे क्या सीखेंगे देखिए, अब बैंक एडवाइस के बाद क्या सीखेंगे हम लोग, देखिए आपके टेक्स्टबुक में क्या दिया हुआ, दूसरा देखिए, अब एरर्स दिया हुआ है, ठीक है। अब एरर्स सिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एरर्स, एरर्स, ठीक है। अब एरर्स क्या होता है, अब देखो जो क्लाइंट्स रहता है वो अपने पास से कैश कॉलम बुक प्रिपेयर करता है, कैश कॉलम बुक क्या करता है, प्रिपेयर करता है, ठीक है। अब बैंक क्या प्रिपेयर करती है, अपना रिकंसलाइजेशन स्टेटमेंट, ठीक है, रिकंसाइज स्टेटमेंट, ठीक है। देखो अच्छे से लिख दूं मैं, आपको समझ में नहीं आएगा, तो फिर रिकंसलाइजेशन स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखिए, अब एरर्स मतलब कुछ मैंने आपको बताया, चलो चांद, चांद ने चांदनी को चेक दिया, चांद ने चांदनी को 2000 का चेक दिया, ठीक है, 2 फेब को दिया, ठीक है।
वैसे मैंने बताया कि 3 और 4 शनिवार संडे पड़ गया। अब चांदनी क्या करेगी, 6 तारीख को जाएगी बैंक में जमा करेगी। बैंक 3 दिन का टाइम लेगा, 7 8 9। अब ये 9 तारीख को आपके बैंक से क्या होगा, पैसा डिडक्ट हो जाएगा, आपके अकाउंट से पैसा क्या होगा, डिडक्ट हो जाएगा। बट आपने 2 तारीख को ही रिकॉर्ड कर दिया, आपने 2 तारीख को ही रिकॉर्ड कर दिया कि भाई 2 तारीख को मेरे पास से इतना चेक चला चुका है चांदनी को, चांदनी रिकॉर्ड किया अपने अकाउंट में। बट जब तक बैंक आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट नहीं करेगी, जब तक वो अकाउंट अलग ही रहेगा, बैलेंस फिगर होगा नहीं होगा, क्योंकि आपने कैश कॉलम में फिगर कर लिया है बट बैंक में फिगर हुआ है नहीं हुआ है, इक्वल हुआ है नहीं हुआ है, मैच हुआ है नहीं हुआ है। तो इस टाइम कुछ इश्यू होता है, कुछ इरर्स होता है, जो टाइम का इरर्स होता है, कुछ बोलते ना आपको, कुछ अमाउंट का इरर होता है, कुछ जीरो का डिफरेंस पड़ता है। अभी सपोज 5,000 में 3 जीरो लगता है, मैंने 2 ही लगाया, 2 का ही चेक दिया, चांदनी ने ध्यान नहीं दिया। चांद ने बोला कि भाई मैंने 5,000 का चेक दिया है बट बाय द फैक्ट 0 लगाना भूल गया। तब चांदनी क्या करेगी, चांदनी को कितना चेक मिलेगा, सिर्फ 500 ही मिलेगा। अब कैश कॉलम में रिकॉर्ड हुआ 5,000, प्रोप्राइटर ने अपने बुक में रिकॉर्ड किया 5,000 बट बैंक से कितना कटा, सिर्फ 500 ही कटा। तो ये सब चेक करने के लिए ना एक कैश कॉलम बिजनेसमैन प्रिपेयर करता है, और बैंक क्या खुद का एक बैंक रिकल्चराइजेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है कि दोनों चीजें मैच हो जाए। अभी द फैक्ट अगर आपको बैंक इंटरेस्ट दे रही है, आपको बैंक इंटरेस्ट दे रही है, अगर आपने 1,00,000 रुपया डिपॉजिट रखा है अपने अकाउंट में और 1,00,000 रुपये पे आपको 2% इंटरेस्ट मिल रहा है बच्चों, 200 मिलेगा। फिगर देखिए, आपके कैश कॉलम में सिर्फ 1,00,000 रुपये कि भाई मेरे पास 1,00,000 रुपये है, बट बैंक में कितना हो जा रहा है, 1,200,000 रुपये हो जा रहा है। बैंक में कितना हो जा रहा है, 1,200,000 हो जा रहा है। मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ऐसे ऐसे टाइम पे इरर्स ना हो, डिफिकल्टीज ना हो, इसके लिए बैंक क्या कर रहे हैं, रिकंसिलाइजेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कर दिए। अंडरस्टैंड है? तो आपने पहले की पहले चैप्टर में सीखा था, सब्सिडियरी बुक पे सीखे थे हम लोग कि बैंक किस तरीके से क्या होता है, हमारे पास से कैसा क्या जा रहा है, क्या आ रहा है, बैंक से आ रहा है, बैंक से जा रहा है, कैश में आ रहा है, कैश में जा रहा है, हम लोग वहां पर रिकॉर्ड करना सीखे। अब हम लोग जो बैंक से रिलेटेड किस तरीके से हम बैंक और कैश बुक को मेंटेन कर सकते, ये हम लोग यहाँ पे सीखने वाले। तो ठीक है, ये सब तो थ्योरी था, थ्योरी में उतना आपको समझेगा नहीं जब तक सम्स नहीं करेंगे। तो हम लोग सम्स करेंगे तो आपको और अच्छे से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तो आपको टेंशन लेना नहीं है। बस आपको इतना समझना है कि बैंक रिकंसिलिएशन का मतलब होता है कुछ मैच करना, इसी को चीज को फिगर करना कि सब कुछ सही है, आपका कैश कॉलम भी सही है, आपका ये भी सही है। अगर कुछ डिफरेंस है तो आप क्या करते हो, चेक कर सकते हो कि भाई बैंक से और इसमें मेरे में डिफरेंस क्या है, या आप वहाँ पे क्या करते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिकॉर्ड। ठीक है, कभी टाइम का डिफरेंस होता है, कभी डेट का डिफरेंस होता है, कभी क्या होता है, डायरेक्ट बैंक से पेमेंट हो जाता है, या मतलब कुछ भी इन द फैक्ट कुछ भी हुआ तो आपको वो चीज़ें क्या हो जाएगी, मालूम पड़ जाएगी। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, बिना बोले बिना कुछ समझे आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है, चार्जेस कट जाता है बिना मालूम किए। आप बहुत पहले स्टार्टिंग में तो बताऊंगा मैं आपको एग्जांपल कि बहुत पेटीएम मशीन आए थे, तो पेटीएम मशीन ने फ्री में स्पीकर बांटा, सबको बांटा स्पीकर, सबको बोला अरे फ्री में ले लो, अरे 1 रुपये में ही ले लो। कस्टमर क्या बोले, हाँ चलो ठीक है भाई 1 रुपये मेरा ले लो, बट वो क्या किए, कहीं ना कहीं डिडक्ट कर लगे पैसा, कहीं ना कहीं काट लिए, तो मालूम लोगों को नहीं पड़ता था। तो देखो भाई, कोई भी फ्री में नहीं बांटेगा, कोई भी भाई एक चार्ज लेगा। अगर मैं आपको पहले ही बोल दूँ कि भाई ये स्पीकर का चार्ज 125 रुपये पर मंथ है, तो आप लोगे नहीं लोगे, बट अगर आपको बिन बताए आपके अकाउंट से 125 रुपये कट जाएगा तो कभी कभी आपको नहीं मालूम पड़ता है वो चीज़ें। जब आप जाओगे बैंक तो बैंक को मालूम पड़ता है, अरे भाई 125 रुपये डिडक्ट हुआ है पेटीएम मशीन का, तो कई लोगों ने स्पीकर वापस दे दिया। तो ऐसे ऐसे टाइम कभी कभी ना बिना बताए भी आपके पैसे बैंक से कट जाते किसी कारण से, किसी वजह से। तो वो सब ना हो, इसके लिए एक रिकॉर्ड करती है बैंक भी अपने पास, एक रिकॉर्ड करती है हर एक कस्टमर का, इंडिविजुअल कस्टमर का, और आप भी अपने कैश कॉलम में क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो। अंडरस्टैंड है? चलिए उसके बाद क्या सीखेंगे, देखिए सिंपल हो गई कैशबुक और पासबुक, कैशबुक एंड द पासबुक। अब प्रोप्राइटर जो था वो कैशबुक प्रिपेयर कर रहा था कि मेरे पास कैश में आ रहा है जा रहा है, बैंक में आ रहा है जा रहा है। ठीक है, सिंपल कैशबुक तब सीखे होगी, कैशबुक आता था डबल में क्या होता है, सिंपल बैंक दोनों आता था, कैश और बैंक दोनों आता था। तो कैश और बैंक आपने सीखा था वहाँ पे 5th चैप्टर में सब्सिडियरी बुक में, अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो लेक्चर देखो तो आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से। अब बैंक क्या करती है, पासबुक प्रिपेयर करती है। अब पासबुक देती है आपको इसलिए कि आपने भाई इस दिन
ये तारीख ये टाइम को आपने इतना पैसा क्या क्या डिपॉजिट किया, स्टेटमेंट आ गया आपके पासबुक पे। इस टाइम इस डेट आपने इतना पैसा विड्रॉ किया, कहाँ आ गया, पासबुक में आ गया। मतलब कि हर एक ट्रांजेक्शन आपके पासबुक में, कि आप कब क्या कर रहे हो, आपके पास से कब क्या हो रहा है बच्चों, ये चीजों के लिए बैंक क्या करती है, हर एक अपने इंडिविजुअल कस्टमर को पासबुक क्या करती है, एक्वायर करती है, देती है, सभी को देती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आपकी अभी आप छोटे हो गए, आप जब बड़े हो गए 21, 22, 18 क्रॉस करोगे, आप किसी बैंक में अकाउंट खुलवाओगे, तो आपको वो चीजें मिलेगी, पैक, ATM, पासबुक, ऑल डेट मिलेगी। आप बैंक जाओगे, स्लिप भरोगे, ट्रांजेक्शन करोगे, सीखोगे, तो आपको वहां पे भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। उसको बोलते प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, जाओगे तो वहां मिलेगा। तो बैंक का इतना ही रोल है कि बैंक अपने हर एक कस्टमर को पासबुक देती है, जिससे वो क्या करे, मैच कर सके कि उनके कैश कॉलम और हमारा बैंक कैश अकाउंट क्या है, मैच है, मतलब परफेक्ट है। इसके लिए बैंक क्या करती है, इश्यू करती है। ओके, अगर नेक्स्ट लेक्चर आएगा हम लोग सम्स करेंगे, तो सम में आपको और अच्छा सीखने मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा रहा है तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना यार, क्योंकि इतना चैप्टर स्टार्टिंग है, थ्योरी पढ़ाया है, तो थ्योरी समझ में आएगा तभी आप सम्स कर पाओगे, वरना थ्योरी का सम्स नहीं कर पाओगे। तो प्लीज सभी को शेयर करना और एक कमेंट करना और लाइक करना। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लेक्चर ऑन रखना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेमेस्टर के, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखना।